में जब अलग हुए तो पूरा माल वहाँ खाली हो गया, सिर्फ डब्बा बच गया। अब बीजेपी ने जो निर्णय लिया उसके बाद तो जो होता है ना कि खखोड़ी भी खखोरा गया, तो खखोड़ी भी वहाँ से ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं है, सीधे ठन गोपाल है वहाँ। बीजेपी ने जो निर्णय लिया उसके बाद तो जो होता है ना कि खखोड़ी भी खखोरा गया, तो खखोड़ी भी वहाँ से ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं है, सीधे ठन गोपाल है वहाँ। अरे भैया, नीतीश कुमार जी की खटिया खड़ी हो गई, बस इस रूप में देखिए इसको। नीतीश कुमार जी ने तो खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, दूसरा क्या उनको कमज़ोर करेगा, खुद ही उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, इसलिए नीतीश कुमार जी कमजोर हुए। जवाब नहीं दे पा रहे, क्या केशव प्रसाद मौर्य वाला हाल हो जाएगा सर, उत्तर प्रदेश में जैसे हुआ उनके स्टूल मंत्री बना दे गया। आप ठीका लिए हुए हैं क्या पूरे हिंदुस्तान का, बिहार की बात करिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब उनके पास कुछ भी नहीं, वो ठन ठन गोपाल हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पहले जब मैंने उनका साथ छोड़ा तो धूल गर्दे जो भी बचे थे, सम्राट चौधरी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के बाद अब कुछ नहीं बचा है, और एक के बाद एक कई तीर उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर छोड़े। देखिए, सीएम नीतीश की इज्जत करने के दावे करने वाले उपेंद्र कुशवाहा किस तरह उन्हें बोल रहे हैं और क्या क्या दावे कर रहे हैं। राहुल गांधी के मुद्दे पर नीतीश जी काफी देर से चुप हैं, कोई बोल बात नहीं बता पा रहे हैं, क्या बात है? अभी तो नीतीश जी से पूछिएगा ना क्यों नहीं बोल रहे हैं। यही नीतीश जी थे कि सब मुद्दा पर गरज कर बोलते थे, आज भ्रष्टाचार के मुद्दा पर उसी तरह से चुप रहते हैं। आज उनकी पार्टी का एक्शन कुछ होता है, उनकी चुप्पी कुछ और अर्थ दे जाती है, तो अजीब किस्म की स्थिति उन्होंने बना ली है। अब इस स्थिति में खुद की छवि जहां पहुंच गई है, इसका जवाब तो ही दे पाएंगे। एकदम एक तरह से कि दयनीय स्थिति नीतीश जी बना ली है, और धीरे धीरे अपने आप को अप्रासंगिक बनाते जा रहे हैं नीतीश कुमार। आपने कहा सर कि राजद, जदयू और राष्ट्रीय लोक जनता दल सब तक संविधान सेम है। अब बिल्कुल देखिए, वो संवैधानिक आधार पर, एजेंडा के आधार पर एक तरह का है, लेकिन व्यवहार में उन लोगों का जो रवैया है, जनता को ठगने के लिए उस तरह की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार में अपने परिवार के लिए देखा ही आप लोगों ने ना, तो जनता को बताते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, लेकिन जब ताकत मिलती है तो अपने परिवार का लाभ करते हैं। तो इसलिए आज की तारीख में एक पार्टी की जरूरत मजबूती से जो काम करे ईमानदारी से, उसकी जरूरत थी, और इस मामला में आरजेडी जेडीयू के लोग बिल्कुल फेल कर चुके हैं। अब उस जगह को हर तरह से हमारी पार्टी ले। कई जगह लोग दिखा रहे हैं भाई, कई जगह पोर्टल या कहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच झगड़ा। अभी देखकर हम भी थोड़ा मतलब एक तरह से लगता है कि क्या है, तो इसलिए हमने कहा कि जानबूझकर भी कहीं से कोई कोशिश होगी अफवाह फैलाने की। अब इस तरह की अफवाह पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, कोई मतलब नहीं उस तरह की खबर का, इसलिए हमने कहा। राहुल गांधी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने ओबीसी का अपमान किया है। चार आदमी एक बार पूछिए ना कैसे बोलेंगे, एक बार में एक आदमी। अरे एक मिनट रुक जाओ सर, राहुल गांधी के इशू पे, राहुल गांधी के इशू पे सर, जिस तरीके से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ओबीसी का अपमान किया है कांग्रेस ने, क्या कहेंगे? देखिए, अब हर विषय पर बोलना जरूरी नहीं है, और उस संदर्भ में क्यों उन लोगों ने ऐसा कहा, क्या कहा, उसकी पूरी जानकारी उस रूप में हमको नहीं है, तो इसलिए उनकी बात पर हम क्या टिप्पणी करें। सर इसका जवाब नहीं दे पा रहे, क्या केशव प्रसाद मौर्य वाला हाल हो जाएगा सर, उत्तर प्रदेश में जैसे हुआ उनके स्टूल मंत्री बना दे गया। आप ठीका लिए हुए हैं क्या पूरे हिंदुस्तान का, बिहार की बात करिए ना। सम्राट चौधरी के अपॉइंटमेंट को किस तरीके से आप देखते हैं, क्या बीजेपी अब ऑल आउट अटेम्प्ट है पिछड़ा वोट बैंक को कहते हैं? अरे भैया, नीतीश कुमार जी की खटिया खड़ी हो गई, बस इस रूप में देखिए इसको। सर दूसरी तरफ जो कुछ भी बचा हुआ था, हम में जब अलग हुए तो पूरा माल वहाँ खाली हो गया, सिर्फ डब्बा बच गया। अब बीजेपी ने जो निर्णय लिया उसके बाद तो जो होता है ना कि खखोड़ी भी खखोरा गया, तो खखोड़ी भी वहाँ से ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं है, सीधे ठन गोपाल है वहाँ।
राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने ओबीसी का अपमान किया जिसके बाद उन पर सजा हुई, तो क्या अब ऑपोजिशन का चेहरा नीतीश बन सकते हैं? अब लीजिए, नीतीश जी के बारे में आप ही कहते हैं कि कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, जिस बात पर बोलना चाहिए उस बात पर चुप रहते हैं। और फिर अब तेजस्वी ने तो खुद ही कह दिया ना, मालूम हो गया तेजस्वी जी को, बिहार की जनता की स्थिति का आकलन उन तक पहुंच गया कि हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो कहा ना विधानसभा में कि ना हम मुख्यमंत्री बनेंगे ना नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने, तो उनके साथ वाले लोग ही जब कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बने। सर, एनडीए का स्वरूप अभी साफ नहीं हुआ, आपकी पार्टी हो, वीआईपी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, अब तक एक स्वरूप नहीं हुआ। आपकी इच्छा है कि जल्द से जल्द एक गठबंधन का स्वरूप ले ले ताकि आने वाले 2024 के लिए? नहीं, देखिए उसमें कोई बहुत जल्दीबाजी भी नहीं है, उसमें जब होगा समय पर होगा, सारी चीज़ें होंगी, कैसे होगा क्या होगा अभी उस पर कोई बात भी मेरी नहीं है किसी से, इसलिए कैसे बोल दें, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई जल्दी हो आज हो, ऐसा भी नहीं। सर, ये भाषण नहीं चलाएगा लोग, ये चलाएगा लोग, छोड़ दीजिए, कमजोर करने के लिए चाल चली गई। सर, भाषण ही लोग चलाएगा। नीतीश कुमार जी ने तो खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, दूसरा क्या उनको कमजोर करेगा, खुद ही उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, इसलिए नीतीश कुमार जी कमजोर हुए।